हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टू यू ऑल। एक तरफ बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म पठान का लोग बाइकॉट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के ही कुछ लोग शाहरुख खान की फिल्म पठान का समर्थन भी कर रहे हैं। जहां तक बॉलीवुड के संजय दत्त अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पठान फिल्म का बहिष्कार करने वाले लोगों को लताड़ दिया है, और ये कैसे हुआ है अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 25 जनवरी साल 2023 को शाहरुख खान की नई फिल्म पठान रिलीज होने वाली है। पठान फिल्म से रिलेटेड कई सारे पोस्टर, टीजर और सॉन्ग रिलीज किए जा चुके हैं, जिसमें एक गाना है बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण भगवे कलर का बिकनी पहन करके और डांस करती हुई नजर आ रही है। उसी भगवे कलर को लेकर के कुछ लोग इस फिल्म का बाइकॉट कर रहे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े नेताओं ने भी इस मूवी को लेकर के बैन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के संजय दत्त शाहरुख खान के सपोर्ट में आए और बोले कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस फिल्म का बाइकॉट होना चाहिए या फिल्म रिलीज होनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।